Hi everyone, this is Dan. Friends, today we are going to talking about how to hide our last scene. Okay, let's begin. दोस्तों, मैं आज हम आप बात करने जा रहे हैं कि अपना WhatsApp पे last scene जो दिखाता है time का, उसको कैसे hide करें, कैसे छुपाएं. सबसे पहले आप WhatsApp open कर लीजिए. उसके बाद जो आप सबसे ऊपर right में stop corner पे आप एक option का जो देखते हैं, options पे आपको tap करना है. ऑप्शन को टैप करने के बाद आपको सेटिंग ऑप्शंस ओपन करना है. सेटिंग्स को ओपन करने के बाद जैसे इस तरह का आपका प्रोफाइल तो इधर आ जाएगा. इसके बाद जो आप देख सकते हैं अकाउंट पे वो क्लिक करना है. इस पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन होगा प्राइवेसी या प्राइवेसी नीचे भी हो सकता है इन फ्यूचर माइट बी, उस पर क्लिक करना है. उसके बाद सबसे ऊपर आप जो देख सकते हैं लास्ट सीन, इसे हमें क्लिक करना है. बेसिकली ये आपसे पूछता है कि जो लास्ट सीन है वो आपको किसको दिखाना चाहते हैं. लास्ट सीन इज जो दूसरा अपन जिससे भी चैट करें, जो भी ओपन चैट है वो लास्ट टाइम कब उसने व्हाट्सएप ओपन किया था उसका लास्ट सीन टाइम बताता है. उसी तरह आपका भी लास्ट सीन टाइम वो सब जनों को बताता है. तो यहाँ वैसे मैंने एवरीवन क्लिक किया हुआ है, तो एवरीवन में सभी को वो बताता है. मैंने अब माय कॉन्टैक्ट्स कर दिया, मतलब जब मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे फ़ोन में जो सेव हैं वही देख पाएंगे कि लास्ट सीन कब था, कि मैं कब लास्ट टाइम, बाकी सब नहीं देख पाएंगे. अगर मैं इसको नोबडी करता हूँ तो कोई भी नहीं देख पाएगा. अगर मैं इसे एवरीवन करता हूँ तो सब जने जिनके पास भी मेरा नंबर है, और हो सकता है कि मेरे पास उनका नंबर सेव ना हो, अगर उनके पास मेरा नंबर सेव है वो भी मेरा लास्ट सीन देख सकते हैं. अगर इसको मैं माय कॉन्टैक्ट्स करता हूँ तो उसमें ऐसा रहता है कि जिसका नंबर मेरे पास सेव है और उसके पास भी सेव होना चाहिए ना, तभी वो देख पाएगा. क्योंकि उसके पास सेव नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे शो नहीं करेगा, और मेरे पास सेव नहीं होगा तो माय कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट में नहीं आएगा. मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं होगा तो उसका नंबर, उसको लास्ट सीन जो दिखता है वो नहीं दिखेगा. दैट्स ऑल गाइस, दिस इज़ वेरी सिंपल. इट्स अ कूल ट्रिक यू कैन डू फॉर अ वाइल इफ़ यू नीड टू बी. कभी कभार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि लास्ट सीन किसी को ना दिखाया जाए, या कभी भी ऐसा हो जाता है. एक छोटी सी स्मॉल ट्रिक है. ओके, थैंक यू.